हेलो। चलो बच्चा, वी वर डिस्कसिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक लेक्चर हो चुका है, और फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था, दैट वाज द डिफरेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड पॉस्टुलेट्स देखने के बाद हम लोगों ने कुछ सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग के बारे में समझना स्टार्ट करा था। सिग्मा बॉन्ड का डेफिनेशन भी लिख लिया था। सिग्मा बॉन्ड वॉज फॉर्म्ड बाई द ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम एंड द ओवरलैपिंग ऑफ दीज टू ऑर्बिटल विच आर कंटेनिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओवरलैपिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंड टू एंड ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग। डेफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया था, एग्जाम्पल भी समझ लिया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिल गया था दैट सिग्मा बॉन्डिंग में द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन सिग्मा बॉन्ड इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट वन इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का डेफिनेशन अगर आप बोलना चाहते हो तो पाई बॉन्ड के डेफिनेशन में बोला जाता है, इफ वी आर हैविंग टू ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन ओवरलैपिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस साइडवेज। देयर विल बी साइडवेज और लैटरल ओवरलैपिंग, एंड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन। लेट्स राइट द डेफिनेशन। इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ साइडवेज और इट इज ऑल्सो नोन एज लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाई बॉन्डिंग के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। देयर इज वन मोर पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड अबाउट द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अंटिल सिग्मा बॉन्ड इज नॉट फॉर्म, पाई बॉन्ड विल नॉट एग्जिस्ट, राइट? पाई बॉन्ड विल फॉर्म ओनली व्हेन व्हेन देयर इज टू एटम विच आर ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डेड। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जाम्पल इज एक आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, O2। अगर आप O2 के फॉर्मेशन की बात कर रहे हो तो O2 के मॉलिक्यूल में देयर विल बी टू ऑक्सीजन एटम विच आर गोइंग टू कंबाइन एंड फाइनली O2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा। O2 के मॉलिक्यूल में जब आप स्ट्रक्चर कंप्लीट करोगे, लुईस स्ट्रक्चर, तो एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे हम लोग दोनों ऑक्सीजन के बीच में। आउट ऑफ दीज टू कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर वन इज पाई बॉन्ड।
नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बॉन्ड फॉर्म कैसे हुए. अगर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p4. ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है दैट इज द सेकंड सेल, एंड सेकंड सेल में अगर आप देखो तो 2s का जो ऑर्बिटल है इट इज कंटेनिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड 2p सबशेल में देयर विल बी 3 ऑर्बिटल. आउट ऑफ दैट 3 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल विल कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनदर 2 ऑर्बिटल will be having unpaired electron. और according to VBT जो हम लोग discuss कर रहे थे, आपको ये बोला जा रहा था कि जो valence shell के ऐसे orbital जिनके पास unpaired electron होंगे केवल वही bond formation में participate करेंगे. जिनके पास paired electron रहेंगे वो paired electron will remain as lone pair on the atom, right? So अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. Let us say ये जो 2p सबशेल है, 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल मिलेंगे 2px 2py 2pz. अगर मैं कन्वेंशनली भी लिखूं तो ये फर्स्ट वन में क्या लिख रहा हूं 2px, सेकंड वन 2py एंड लास्ट वन इज 2pz. लेट अस से कन्वेंशनली लिख रहा हूं. एंड आपका जो ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एक 2py है और एक 2pz है. 2py का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द y एक्सिस. एंड 2pz का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द z एक्सिस. 2px इज अलोंग द x एक्सिस ऑफ कोर्स. ये बोर्ड में मैं यहां पे y एक्सिस ले रहा हूं, इधर मैं z एक्सिस ले रहा हूं, एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आई हैव x एक्सिस. परपेंडिकुलर टू द बोर्ड मेरा x एक्सिस है. फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, उसका न्यूक्लियस मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अगर मैं फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का 2py ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करूं तो वो होगा अलोंग द y एक्सिस विच इज कंटेनिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एंड 2pz यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो 2pz विल बी अलोंग द z एक्सिस, उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ये मेरा फर्स्ट ऑक्सीजन एटम. डेफिनेटली मैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. सिमिलरली अगर मैं सेकेंड ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करूं तो सेकेंड ऑक्सीजन एटम में भी यही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. उसके भी 2py में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एंड 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. नाउ दीज टू ऑक्सीजन एटम्स आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स देमसेल्फ. जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो एक तो आप अगर न्यूक्लियस को ज्वाइन करो तो जो लाइन मिलेगी दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो आप देखो 2py का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है और 2py के ओवरलैपिंग से क्या फॉर्म हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. एंड ये जो आपको 2pz एंड 2pz दिखाई दे रहा है इनका एक्चुअल सीन में लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा होगा. कैसा ओवरलैपिंग होगा? कुछ ये इंटरसेक्शन मिलता है हमें, ये दोनों न्यूक्लियस होंगे और यहां पे कुछ पोर्शन मिलेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का. दैट इज व्हाट इज नोन एज साइडवेज ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग, उसी को हम लोग नाम दे रहे होते हैं. और यही अगर साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है या लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसी को हम लोग पाई बॉन्ड का नाम दे रहे हैं. तो यहां पे क्या होगा बच्चे, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा 2py के ओवरलैपिंग से एंड 2pz के ओवरलैपिंग से we are going to have a pi bond, एक pi bond का formation हो जाएगा, right? तो oxygen molecule में जो दो covalent bond आप दिखा रहे थे उसमें से एक sigma bond था, एक pi bond था. बहुत आसान सी चीज है, ये समझ में आ जाता है. Similarly, if you take a next example is let's say N2 molecule. बहुत ज्यादा detail में नहीं जाऊंगा, N2 molecule जल्दी से clear हो जाएगा. अगर मैं N2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो N2 मॉलिक्यूल का अगर आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई देगा. आउट ऑफ दिस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड अदर टू आर पाई बॉन्ड. और ये कैसे बनेगा अब देखो. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 7 होता है. इफ यू विल राइट द कॉन्फिगरेशन इट इज 1s2 2s2 एंड 2p3. वैलेंस सेल कौन सा है? सेकंड सेल. एंड 2s में अगर आप देखो तो 2s में देयर विल बी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि आप 2p सबशेल में जब भी आप इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सभी ऑर्बिटल 2px 2py 2pz सभी के पास एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. और अगर सभी के पास एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये सभी 3 ऑर्बिटल
इन्वॉल्व हो जाएंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। एंड अगर आप देखो तो ये कौन से लोग हैं, 2px, 2py एंड 2pz। डेफिनेटली ये सभी 3p ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। If you're taking here it is x-axis, y-axis and perpendicular to the board is z-axis. Let us say here it is z-axis. तो अगर मैं first nitrogen atom का nucleus लिखूं, we are having two nitrogen atom जो एक दूसरे की तरफ approach करेंगे and overlapping के बाद covalent bond का formation होगा। तो there is a 2px orbital which is containing unpaired electron, 2py orbital भी होगा जिसके पास unpaired electron होगा and 2pz orbital भी होगा जिसके पास unpaired electron होगा। Similarly अगर मैं second nitrogen atom represent करूं तो इसके पास भी 2px में एक unpaired electron है, 2py में there is one unpaired electron and 2pz में भी एक unpaired electron होगा। ना आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे ना तो 2px 2px का क्या हो जाएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो 2px 2px के ओवरलैपिंग से हमारा क्या मिल जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। जबकि आप 2py 2py के ऑर्बिटल देखो तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अगर ऑर्बिटल पैरेलल हो गए तो इनका क्या हो जाएगा, साइडवेज ओवरलैपिंग होगा और साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या जनरेट करेगा, पाई बॉन्ड। तो 2py 2py का जब ओवरलैपिंग होगा पाई बॉन्ड का जनरेशन होगा। सिमिलरली 2pz के ऑर्बिटल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और उनसे भी पाई बॉन्ड का जनरेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज योर पाई बॉन्ड। बहुत आसान से चीज है, ये समझ में आ जाता है, ठीक है। अच्छा कुछ एक चीजें हम लोग बात कर रहे थे, वन वॉज एक चीज थी इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो लिखा गया था, द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, pi electron cloud and internuclear axis are perpendicular to each other। वो कहां से मैं बोल रहा था, अगर आप दो p orbital ले रहे हो और उनका lateral overlapping करा रहे हो तो ये जो common space दिखाई दे रहा है वही क्या होगा, pi electron का electron cloud होगा, वहीं पे pi bond का formation हो रहा है। तो ये pi electron के electron cloud को अगर आप join करोगे तो एक vertical line मिलेगी, जबकि आप अगर इन दोनों एटम के न्यूक्लियस को ज्वाइन करो तो वो आपको जनरेट क्या करेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक और चीज बोला जा रहा था कि जब भी आप पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हो तो एटम मस्ट अटैच थ्रू सिग्मा बॉन्ड इनिशियली, वो पहले से ही सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड होने चाहिए, देन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब ये दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो हेड ऑन ओवरलैपिंग पहले होगी एंड देन उसके बाद लैटरल ओवरलैपिंग होगी। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि दो एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड पहले बन जाता है। एक चीज और आप क्लियर रख लेना, अभी मैं दो एग्जाम्पल लिया था, फर्स्ट एग्जाम्पल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, सेकेंड एग्जाम्पल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें हमेशा ऑलवेज इन डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज देयर इज वन सिग्मा एंड वन पाई, एंड अगर आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो डेफिनेटली देयर इज वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। ये पॉइंट आप दिमाग में अपने पास रखे रहना, ये यूज हो जाएंगे कभी कभी ऐसे ही, ठीक है। आसान सी चीजें हैं। नेक्स्ट जो आपको करना है दैट इज सम मोर पॉइंट्स, लेट मी ऐड ऑन सम मोर पॉइंट्स। वन थिंग इज सेड, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट है, ये द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर देन पाई बॉन्ड। दैट इज व्हाई इट इज सेड सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। हमने पिछली क्लास में भी बात करा था कि मोर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड।
तो जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मीन्स यू कैन से कॉमन वॉल्यूम। हेड ऑन ओवरलैपिंग के दौरान जो ऑर्बिटल में कॉमन वॉल्यूम मिलेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द केस जब आप लैटरल ओवरलैपिंग कराओगे या साइडवेज ओवरलैपिंग कराओगे, तो वहां पे जो कॉमन वॉल्यूम मिलेगा दैट विल बी रिलेटिवली लेस। तो एक ये भी पॉइंट फिर कंक्लूड होकर के आता है, अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए, फ्री रोटेशन अराउंड अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बट नॉट अराउंड पाई बॉन्ड। व्हाट डू वी मीन बाय अ फ्री रोटेशन एंड व्हाई इट इज सेड अ फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास लेट अस से ये फर्स्ट एटम है, इसका पी ऑर्बिटल लिया हुआ है हमने, इधर सेकेंड एटम है उसका पी ऑर्बिटल है। अगर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाए, अगर इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो जाए, तो देखो कुछ कॉमन वॉल्यूम मिल रहा है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके। फ्री रोटेशन का मतलब जस्ट होल्ड वन एटम, एक एटम को पकड़ लो आप और दूसरे एटम को ऐसा रोटेट करना ही स्टार्ट कर दो। एंड ऐसा रोटेट करने से जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मिल रहा था, जो कॉमन वॉल्यूम मिल रहा था दोनों ऑर्बिटल के बीच में, वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज सेड फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। व्हाइल जब भी पाई बॉन्ड बनेगा बच्चे, लेट अस से ये अपना एक पी ऑर्बिटल है जिसके दो लोब है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है जिसके दो लोब है, ये अगर साइडवेज ओवरलैप हो रहे हैं एंड देन आप एक एटम को होल्ड करते हो, लेफ्ट वाले इधर के एटम को मैंने होल्ड कर लिया और दूसरे एटम को आप रोटेट करना शुरू करते हो, तो जैसे ही रोटेट करोगे ना, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग मिल रहा था, जो कॉमन वॉल्यूम मिल रहा था, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब पाई बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अगर दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है एंड देन आप एक एटम को होल्ड करके सेकेंड एटम को रोटेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड एंड रोटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट अलाउड, सॉरी ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट अलाउड। दैट इज व्हाई इट इज सेड फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बट नॉट अराउंड पाई बॉन्ड, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। और एक चीज और दिमाग में रख लेना, एक पॉइंट और लिख देता हूं। एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल से कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। कहीं पे भी अगर एस ऑर्बिटल दिख रहा है तो वो कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल में लैटरल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। अब देखो कुछ एक चीजें, कुछ क्वेश्चन है जो इसके ऊपर बेस्ड होते हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग एट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बता देता हूं जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा बॉन्डिंग। इट इज व्हाट डेल्टा बॉन्डिंग। देखो डेल्टा बॉन्डिंग पे क्या होगा, अगर आप पाई बॉन्ड बनाना चाहते हो बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल, एंड डी ऑर्बिटल की जब भी आप बात करोगे तो इट इज गोइंग टू हैव फोर लोब्स, चार लोब होंगे इसके पास एक्सेप्ट दैट डी जेड स्क्वायर के बात मैं नहीं कर रहा। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, अगर सभी के आप स्ट्रक्चर देखो तो डी ऑर्बिटल में आपके पास फोर लोब होने वाले हैं, राइट। So, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल है और यहाँ पे अगर मैं लेट अस से एस ऑर्बिटल ले आता हूँ और इनको हेड ऑन ओवरलैपिंग कराता हूँ, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करके अगर आप सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हो विद द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल आप ले आओ
और हेड ऑन ओवरलैपिंग करा लो, वहां पे आपका क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल को यूज करके अगर आप सिग्मा बॉन्ड बनाने चाहते हो तो फिर से हेड ऑन ओवरलैपिंग करा लो। बट अगर आप डी ऑर्बिटल को यूज करके, डी ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके पाई बॉन्ड बनाना चाहते हो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ ऐसा शेप दिखा लेता हूं, ये भी डी ऑर्बिटल ही है, ये एक पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल यूज कर लिया, डेफिनेटली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में एस ऑर्बिटल कभी इस्तेमाल नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, डी ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल के साथ लैटरल ओवरलैपिंग कराया जाए या फिर डी ऑर्बिटल को डी ऑर्बिटल के साथ लैटरल ओवरलैपिंग कराया जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल। तो अगर मैं डी ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल के साथ यूज कर रहा हूं, ये मेरा डी ऑर्बिटल है एंड पी ऑर्बिटल है, इनको अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराओ तो देयर विल बी लैटरल ओवरलैपिंग, दो लोब्स में लैटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड को हम लोग नाम भी देते हैं, नाम क्या देते हैं, डी पाई एंड पी पाई। डी पाई पी पाई क्यों बोल रहे, बिकॉज डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व टू फॉर्म द पाई बॉन्ड, राइट। सिमिलरली अगर दो डी ऑर्बिटल को यूज करके पाई बॉन्ड बनाना है तो आप क्या करोगे, आप फिर से डी ऑर्बिटल ले आओ, दो अलग अलग डी ऑर्बिटल ले आओ एंड देन इसको अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच कराओ, कुछ इस पोजिशन में अप्रोच कराना होगा और इनके दो लोब्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, यहां पे भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं डी पाई बॉन्ड, राइट, बिकॉज बोथ आर डी ऑर्बिटल गोइंग टू साइडवेज ओवरलैपिंग एंड फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डी पाई। अगर आप पी ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो, इधर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराओ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, पी पाई बॉन्ड, राइट, पी पाई बॉन्ड, टू पी ऑर्बिटल आर यूज्ड टू फॉर्म द पी ऑर्बिटल। नाउ देयर इज अ डिफरेंट पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के केस में एक और पॉसिबिलिटी बनता है, वो पॉसिबिलिटी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। वो पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा है, लेट अस से मेरे पास एक डी ऑर्बिटल है, वी हैव टू डी ऑर्बिटल, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, स्लाइटली टिल्टेड एंड ड्रॉ वन मोर स्लाइटली टिल्टेड, वी आर हैविंग टू डी ऑर्बिटल एंड ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अप्रोच कराओ, कुछ ऐसा समझो देयर इज वन डी ऑर्बिटल इन अबव पाम एंड नेक्स्ट सेकेंड डी ऑर्बिटल इन लोअर पाम एंड इनको आपस में अप्रोच करा रहा हूं मैं। जब भी इस डायरेक्शन में अप्रोच कराऊंगा ना, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक्चुअली सभी फोर लोब्स के आपस में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर ये लोब्स का आपस में ओवरलैपिंग हो गया, इधर भी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गया, इनका आपस में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गया एंड इनका भी आपस में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गया, सभी फोर लोब्स का ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड ये पर्टिकुलर बॉन्ड को हम लोग नाम क्या देते हैं, डेल्टा बॉन्ड, इट इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड। जब ये सभी फोर लोब्स का ओवरलैपिंग हो रहा होगा बिटवीन टू डी ऑर्बिटल, तो जो फॉर्म्ड बॉन्ड होगा दैट बॉन्ड इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड, राइट। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानना है इसके बारे में, बस आप शेप क्लियर रखो, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस पे बेस्ड डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम लोग करने वाले हैं, आपको मैं कुछ केसेस ड्रॉ करके दूंगा और वो केसेस में आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा इन विच केस द कोवेलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एंड इन विच केस इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड। सपोज अगर मैं कन्वेंशन फॉलो करूं और एस ऑर्बिटल ड्रॉ करूं, एस ऑर्बिटल पे देखो बच्चे ध्यान से देखना, मैं दो पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तो न्यूक्लियस है, उसके अलावा एक और पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ये पॉजिटिव क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, यहां पे एस ऑर्बिटल में
एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है, पॉजिटिव रिप्रेजेंट करा जा रहा है। एंड अगर मैं कोई पी ऑर्बिटल लेता हूं, पी ऑर्बिटल में दो लोब है, डेफिनेटली वी आर नोइंग दैट कि किसी एक लोब पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एक लोब पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा, दूसरे लोब के साइड में निगेटिव एम्पलीट्यूड होगा। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड एटम। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव एम्पलीट्यूड दिखा देता हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दिखा देता हूँ, और इन दोनों को अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच करवाता हूं ना, अब इस चीज को समझना। देखो, मैंने एक चीज बहुत पहले ही बात करा हुआ है, फिर बीच में भी बताया था कि दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड केवल और केवल तभी बनेगा जबी देयर इज नेट रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स इज एक्टिंग। अगर नेट रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिला तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। और थोड़ी सी समझदारी हम और दिखा लेते हैं। आपको मैं दो वेव ड्रॉ करके देता हूं। ये मेरा फर्स्ट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूं, एक वेव और दिखा रहा हूं जहां पे एम्पलीट्यूड निगेटिव दिखा रहा हूं। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये दोनों वेव को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराओ, ये दोनों वेव को आपको क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराना है एंड देन रिजल्टेंट बनाना है। अगर आप ओवरलैप बनाओ, ओवरलैप कराओगे तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड विल ओवरलैप विद नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ऐसा ओवरलैपिंग होगा। और जब रिजल्टेंट बनाओगे तो इधर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड इधर नेगेटिव एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो या तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा या तो वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, और इट विल बी वेरी लेस पॉजिटिव और यू कैन से वेरी लेस नेगेटिव, राइट। तो वो केसेस में अगर आप यहां पे ओवरलैप करा रहे हो और आपको ऐसा डायग्राम दिखाया जा रहा है कि पी ऑर्बिटल के किसी एक लोब पे नेगेटिव दिखा दिया एंड एस ऑर्बिटल के एस ऑर्बिटल पे पॉजिटिव दिखा दिया, मतलब एम्पलीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहे हैं, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है। तो आप समझ सकते हो कि या तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा या फिर स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। तो अगर मैं ओवरलैप करता हुआ दिखा भी दूं तो कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा, कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा, यहां पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। मतलब यहां बीच में दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना था उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर उधर एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, दैट मींस यहां बीच में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अगर यहां पे बीच में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई तो ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन आएगा एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन इन दोनों एटम के बीच में नेट रिजल्टेंट अगर फोर्स कैलकुलेट करने का कोशिश करोगे तो वो क्या आ जाएगा, नेचर क्या आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। एंड अगर रिपल्सिव फोर्स है तो डेफिनेटली बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। द कंक्लूजन इज कि अगर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड निगेटिव एम्पलीट्यूड वाले इलेक्ट्रॉन वेव का ओवरलैपिंग कराओगे तो डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन यू शुड बी वेरी क्लियर दैट इन दिस केस नो बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्मड, नो बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट एक दो केसेस और बता देता हूं आपको। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज लेट अस से अगेन आई हैव वन एस ऑर्बिटल, मेरे पास एक s ऑर्बिटल है जिसपे इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव दिखाया जा रहा है और एक p ऑर्बिटल है, बट p ऑर्बिटल इस बारी मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहा हूं, ये न्यूक्लियस है। p ऑर्बिटल के एक लोब पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा और एक लोब की तरफ निगेटिव एम्पलीट्यूड होगा। और ये केस में अगर आप इन दोनों ऑर्बिटल को अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच करवाते हो और ओवरलैपिंग करवाते हो तो देखो ओवरलैपिंग के बाद सिचुएशन कैसा दिखाई देगा। अगर आप ओवरलैपिंग कराते हो ना तो कुछ ऐसा सिचुएशन दिखाई देगा, ये दोनों न्यूक्लियस है, हाफ पोर्शन में कुछ ओवरलैपिंग ऊपर हो गया और कुछ ओवरलैपिंग डाउन साइड में हो गया,
जो ऊपर में ओवरलैपिंग हुआ वो किसका हुआ? पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का। अच्छा एक चीज और, अगर आपके पास दो वेव दिए जाए और दोनों का एम्पलीट्यूड क्या रहे? पॉजिटिव पॉजिटिव, और फिर इसको आपस में ओवरलैप कराना है। अगर आप ओवरलैप कराओगे तो क्या होगा बच्चे? नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। देखो अगर नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, दैट मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। तो डेफिनेटली यहां ऊपर के साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर गया, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक प्लेस आपको मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुआ। तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा? दोनों ही न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा और दोनों न्यूक्लियस को होल्ड करने का कोशिश करेगा। बट एक बार आप डाउन साइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में सोचो, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप होने वाला है। डाउन साइड में जो ओवरलैप हुआ हुआ है, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड का ओवरलैप हुआ, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायरेक्टली लीड्स टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो आई कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस डायग्राम, आई कैन कंक्लूड दैट कि अबव हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज एक्चुअली ट्राई टू होल्ड द टू न्यूक्लियस, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है और दोनों न्यूक्लियस को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, और जो लोअर हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है वो लोअर हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर रहा है। इसकी वजह से दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या आ रहा है? रिपल्सिव फोर्स आ रहा है। जितना ओवरलैपिंग ऊपर हुआ उतना ही ओवरलैपिंग नीचे हुआ, दैट मीन्स जितना अट्रैक्शन फोर्स आया उतना ही रिपल्सिव फोर्स आया। रिजल्टेंट क्या होगा? देयर इज नेट रिजल्टेंट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। नेट रिजल्टेंट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। और आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो एटम के बीच में बॉन्ड केवल और केवल तभी बनेगा जब ही देयर इज नेट रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। यहां पर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया, और यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। कीप इन माइंड, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नाउ एक और केस लेते हैं। लेट्स से अभी मेरे पास दो पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे दोनों p ऑर्बिटल का जो नेगेटिव वाला ऑर्बिटल है, जो नेगेटिव वाला लोब है, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और मैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन दोनों ऑर्बिटल को अप्रोच करा रहा हूं। एंड यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो आप इसे समझ सकते हो कि फर्स्ट वाले लोब का जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रॉन वेव का वो नेगेटिव है, सेकेंड वाले जो इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है वो भी नेगेटिव है। अगर आप इन दोनों वेव को ओवरलैप कराते हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। देखो कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तभी बॉन्ड बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करे या निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करे, एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए। एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव नेगेटिव का ओवरलैपिंग कराओगे ना तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। एंड अगर न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? दोनों न्यूक्लियस को होल्ड करेगा। एक दूसरे न्यूक्लियस को होल्ड करके अगर रख रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये केस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे डायग्राम बना करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट किस केस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा
और किस केस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अभी मैं कुछ देर में कुछ क्वेश्चन लिखूंगा जो आपके लिए होमवर्क होगा, करोगे। साथ में कुछ एक चीजें और बता देता हूं। अगर आप इनऑर्गेनिक सॉल्व कर रहे हो तो इनऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिकली यू नीड टू सॉल्व वीके जायसवाल की एक बुक आती है, आप सॉल्व कर लो यार, अच्छी बुक है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है और ढेर सारे प्रॉब्लम दिए हैं, जितने प्रैक्टिस करना चाहो उतना प्रैक्टिस कर लो। तो अगर आप उस बुक के लिए जा रहे हो या फिर किसी और मटेरियल के लिए जा रहे हो, तो आपको बता दो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बोलेगा आपके पास एटम ए है, एटम बी है, उस एटम ए और बी के पास वैलेंस शेल में कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिटल बता देगा, जेड सॉरी डी ऑर्बिटल बता देगा, लेट से ए एटम के पास, और पी ऑर्बिटल बता दिया बी एटम के पास, और वो डी ऑर्बिटल का नाम भी लेगा, लेट से डी एक्स वाई ले लिया, ठीक है, और एटम बी के पास पी वाई ले लिया। चलो एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ आपको। जैसा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन इज लेट अस से द टू एटम ए एंड बी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स देयर सेल्फ टू फॉर्म द बॉन्ड, एंड एटम ए के वैलेंस शेल में एक्चुअली वी आर हैविंग डी ऑर्बिटल, एंड लेट से इट इज दिस वन इज डी एक्स वाई, इफ यू आर ड्राइंग डी एक्स वाई इट विल बी इन बिटवीन, इट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एंड फॉर बी एटम लेट अस से आई हैव विच वन, लेट मी थिंक, लेट अस से आई हैव पी एक्स, टू पी एक्स और थ्री पी एक्स ऑर्बिटल इज देयर, एंड दीज टू आर एटम ए एंड बी आर अप्रोचिंग टू ईच अदर अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच इज अलोंग वाई एक्सिस, एंड दे वो एट द एंड वो लोग पूछने क्या वाले हैं कि ये केस में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, एंड अगर होगा तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉन्ड, वेदर इट इज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, ऐसा करके ऑप्शन दे देंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अब इस केस में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करा दें। ऐसे क्वेश्चन खूब मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपसे होने भी चाहिए। देखो अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपको जो एटम ए लिया हुआ है उसके पास ऑर्बिटल क्या लिया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड एटम बी लिया उसके पास ऑर्बिटल क्या लिया, पी एक्स लिया। डेफिनेटली अगर ये ओवरलैप हो रहे हैं तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करो तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जो लोब होंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। ये एटम ए ले लिया हमने, और इसी में अगर मैं एटम बी भी ड्रॉ कर लूं तो एटम बी जो होगा उसका कौन सा ऑर्बिटल ले रहे हैं हम लोग, पी एक्स ले रहे हैं, ठीक है, इट इज व्हाट पी एक्स, पी एक्स मतलब ये अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। नाउ अब आपको क्या बोल रहे हैं कि ये जो दोनों एटम ए एंड बी है ये अलोंग द वाई एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा कि इस ऑर्बिटल को आप ले आओ वाई एक्सिस के अलोंग, देन वाई एक्सिस के अलोंग मूव करना स्टार्ट करो। तो मैं ये जो पी एक्स वाला ऑर्बिटल है उसे उड़ा करके यहां ले आ रहा हूं, कीपिंग द डायरेक्शन सेम, इसका ओरिएंटेशन एक्स अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग ही रख रहा हूं मैं, एंड देन ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग इन दोनों को अप्रोच कराना स्टार्ट करो। तो जब भी आप वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराओगे तो ये एक्चुअल सीन आपको क्या दिखाई देगा, लेट मी ड्रॉ इट हियर इटसेल्फ। अगर आप ऐसा अप्रोच कराओगे ना तो क्या होगा बच्चे, ये थोड़ा सा मैं अलग डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा अप्रोच करा रहे हो, ये अप्रोच कराओगे तो एक्चुअल जो ओवरलैपिंग होगी उसमें भी हाफ पॉजिटिव पॉजिटिव एंड हाफ पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप होगा। डेफिनेटली
ये जो ऑर्बिटल होगा लेट अस से इस पे आपका ये डाउन साइड में जो ऑर्बिटल है लेट अस से मान लेते हैं इसके पास पॉजिटिव एम्पलीट्यूड था, तो पी ऑर्बिटल के जो दो लोब थे एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा एक के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो ये कुछ ऐसा सीन होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब ओवरलैप आप कराओगे ना, जब आप ओवरलैप कराओगे तो एक स्पेस ऐसा मिलेगा जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेगा और एक स्पेस ऐसा मिलेगा जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप करेगा। तो यहां पे फिर से वही सीन जनरेट हो जाएगा कि ये केस में भी नेट रिजल्टेंट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा और दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होना था, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। कैसा चीज? क्वेश्चन में आपको ऑर्बिटल का नाम देगा एंड देन उन ऑर्बिटल्स को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच कराने की बात करेगा, तो आप ऑर्बिटल पहले ड्रॉ करो एंड देन उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करा करके देखो कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है, एंड अगर हो रहा है तो क्या नेचर बताया जा सकता है, वो हम लोग इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक के लिए वीके जसवाल ले लो, कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सो नाउ अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ एज अ होमवर्क, आप एक बार ट्राई करना एंड देखना, बताना मुझे कि कितने केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, किसमें नहीं बनेगा बस वो आप मुझे बता देना। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज एस ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। ध्यान रहे जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप वैसे ही ड्रॉ करना, डायरेक्शन ऑर्बिटल का चेंज मत करना। ठीक है, ये मेरा डी ऑर्बिटल है, दिस इज फर्स्ट वन। नाउ द सेकंड वन इज डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, और लोब के ऊपर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लिखे हैं तो उनका भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, जो लोब के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लिखे हैं दैट आर एक्चुअली इंडिकेटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज, लेट्स आई हैव डी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल, पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। दीज आर द फाइव क्वेश्चन, जस्ट अटेम्प्ट दीज फाइव एंड लेट मी नो योर आंसर, आप कमेंट में लिखते रहना मैं बता दूंगा। हाँ, एक चीज और एक स्टेटमेंट और देना चाहता हूँ कि जब भी दो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप हो करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वो दोनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन मस्ट बी अपोजिट। तो एक तो आंसर मैंने बताई दिया, फोर्थ वाले में बॉन्ड नहीं बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल दिखाया जा रहा है, एक अगर ऊपर की तरफ टेंड कर रहा है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो सेकंड वाले का स्पिन क्या होना चाहिए, डाउन डायरेक्शन में आना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, इसका भी रीजन होता है, रीजन इज बेस्ड ऑन स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर
दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल हो गया तो बिकॉज ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देयर विल बी नेट रिजल्टेंट रिपल्सिव फोर्स, एंड अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट हो गया तो वहां पे उनके मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के कारण उनमें अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पैरेलल होंगे इन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब भी दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो रहा होगा, अपोजिट हो रहा होगा। तो डेफिनेटली फोर्थ वाले पे बॉन्ड नहीं बनेगा, बाकी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज कई बार ऐसे यार कॉलेज में पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, बहुत आसान सा पोर्शन है तो फटाफट बस कॉपी ही करना है इसको। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फर्स्ट दो कॉलम बना लेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड इन पाई बॉन्ड इट इज लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर ही है, आसान सी चीज है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड फॉर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड is perpendicular to internuclear axis. Now the next point is third one, it is a stronger bond, right, and it is weak, ye kamzor hota hai. Next one is फोर्थ पॉइंट, इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबल होगा, एंड इन पाई बॉन्ड इट इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव इज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन एग्जिस्ट independently, and pi bond can't exist independently. ऐसा क्यों बोला जा रहा है? आपको मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि pi bond केवल तभी बनेगा जब sigma bond form हो चुका होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले pi bond बन जाए then sigma bond बने, ऐसा situation reach नहीं करता, right? Next पॉइंट नंबर सिक्स इज, पॉइंट नंबर सिक्स इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन सिग्मा बॉन्ड, राइट, एंड डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट डिपेंड ऑन पाई बॉन्ड। ये वाला पॉइंट आपको तब क्लियर होगा जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे होंगे, वहां पे मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई भी रोल नहीं होता है। एक्चुअली एक स्टेटमेंट मिलता है हमको, बोला जाता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा होगा वही हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, पाई बॉन्ड वाले नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट,
शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट डिसाइडेड बाय नॉट डिपेंड ऑन पाई बॉन्ड राइट। इसके बाद ही वीबीटी के बाद ही हम लोग बीएसईपीआर पढ़ने वाले हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो जब हम लोग बीएसईपीआर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, उसमें शेप की ही बात करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्योरली गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड नॉट बाय पाई बॉन्ड। वहां पे जस्ट इसके बाद ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। लेट अस राइट द लास्ट पॉइंट इज इट फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड एंड इन पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। सो ये थे हमारे कंप्लीट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डिस्कशन, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर किए हुए हैं। एंड नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म इज VSEPR थ्योरी, राइट, जो कि मैं स्टार्ट करूंगा अगली क्लास में। अभी इस क्लास को यहीं पे होल्ड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।